बड़ों को माला पहनाकर, उनको हार पहनाकर हमारे बीजेपी सरकार उनसे अपना व्यापार और अपना भाईचारा बढ़ा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, यहाँ पे मॉब लिंचिंग को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ में काफ़ी लोग मौजूद हैं जो सात के अंदर यहाँ पे किए प्रोटेस्ट के अंदर आए हैं और जिनका साफ तौर से कहना है कि जो देश के अंदर इस तरीके की घटनाएँ होती जा रही हैं उसके ऊपर कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए और उसके ऊपर कानून बनाने के लिए लोगों की कोशिश है। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वार्ड नंबर 38N का, मैं ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत सिंह मेरा नाम है। यहाँ पर मॉब लिंचिंग के लिए यहाँ पर जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जो कि बीजेपी वालों ने काफ़ी जगह मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रश भ्रष्टाचार फैला रखा है। यहाँ पर पिछले दिनों में कश्मीर में जो 370 को लेकर काफ़ी मुसलमान भाइयों के लिए ईद में भी ईद को नहीं मनाने दिया, ईद वाले दिन भी वो अपने घरों में लगे रहे, अपने घरों में ही रहे और ईद मनाने का उनको हुक्म नहीं हुआ। और मॉब लिंचिंग को लेकर पिछले बुलंदशहर में हमारे इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। गुंडों को माला पहनाकर, उनको हार पहनाकर हमारे बीजेपी सरकार उनसे अपना व्यापार और अपना भाईचारा बढ़ा रही है। अगर ये गुंडों को लेकर ही भाईचारा बढ़ाते रहे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? पिछले दिनों में, अभी कल परसों की पहले की बात है, बांग्लादेश का सिक्का भी, हमारे करेंसी जो हमारे हिंदुस्तान से ऊपर चली गई और हिंदुस्तान की करेंसी डाउन हो गई है। तो इसे लेकर हम बीजेपी वालों के ईंट से ईंट बजाकर हम बार बार कड़ी सुनवाई हम उनके खिलाफ करते रहेंगे, ताकि वो हमारी अर्थव्यवस्था को ना बिगाड़ सके और हम कांग्रेस को आगे लेकर ही आएंगे। धन्यवाद। जो इस तरीके से मॉब लिंचिंग देखी जा रही है, जो घटनाएं होती रहती हैं हर सप्ताह एक ना एक घटना होती जा रही है, इसकी तरफ क्या स्टैंड लेना चाहते हैं? इसकी तरफ ये स्टैंड लेना चाहिए कि जैसे हम डे बाय डे हम अलग अलग होते जा रहे हैं, हमें एकजुट होकर मुसलमान सिख भाई ईसाई जो भी हैं, हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, ताकि वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके और जो भी इस भ्रष्टाचारी हैं, जो भी इस हमारे देश में भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ हम अलग अलग ना होकर सिख भाई, मुसलमान भाई, ईसाई भाई, सबको एक साथ जोड़कर, एक साथ जुट होकर हमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, जिसके हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे ना बढ़ती रहे और कम से कम क्रिएट हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने के लिए।